हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, अब डीमार्ट आ चुका है ऑनलाइन, एंड ये डीमार्ट जो ऑनलाइन आ चुका है, तो इसके ये वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि डीमार्ट ऑनलाइन आया है तो एज अ कस्टमर हम सबको इसमें क्या सारी अच्छी खासी सुविधाएं मिलती है, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी चल रही है इस ऐप को लेके, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। एंड इसका रिजोल्यूशन मैं एक तरीके से यही कह सकता हूं कि ये तो डीमार्ट पे ही निर्भर करता है कि वो कितना जल्दी इसके रिजोल्यूशन के साथ आते हैं। सो दोस्तों, डीमार्ट जो है वो सबसे सक्सेसफुल सुपरमार्केट चेन रहा है अभी तक का इंडिया में, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इसके पहले इंडिया की मार्केट में मोर देन रिलायंस फ्रेश एंड देन ये जो अपना बिग बाजार है, ये भी सारी की सारी चीजें ऑपरेट करती है। लेकिन जैसे ही डीमार्ट आया सुपरमार्केट चेन में, तो एक्चुअली डीमार्ट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। डीमार्ट ने वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से शुरू किया, और आज के डेट में आप देखो तो हर कोई डीमार्ट के बारे में बात करता है, क्योंकि एक सिंपल सा उसने एक बहुत ही सिंपल एक फंडा यूज किया है कि वो अराउंड द ईयर 365 डेज इन अ ईयर रोज के रोज वो एसेंशियल आइटम्स पे जो डिस्काउंट होते हैं वो मेंटेन रखता है। वो अपने ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करता ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो अपना पैसा वो एडवर्टाइजमेंट्स में बचा लेता है। आज तक तो इनफैक्ट डीमार्ट ऑनलाइन भी नहीं था एक तरीके से देखा जाए तो। ये लॉकडाउन के चलते काफी सारी कंपनीज को अब ऑनलाइन डिलीवरीज या ऑनलाइन वेज टू रीच टू द कस्टमर, इन सबको ऑप्ट करना पड़ा है। अब डीमार्ट ने जो तरीका ऑप्टिंग किया है वो है इनका डीमार्ट रेडी ऐप। तो चलो दोस्तों, अब मैं ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं डीमार्ट के ऐप पे, जहां पे मैं आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर भी बता दूंगा, और इसके साथ हम उस प्रॉब्लम का भी डिस्कशन करेंगे जो फिलहाल इस ऐप में है, एंड जिसकी वजह से एज अ कस्टमर हम सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, और चलो अब मैं डीमार्ट का ऐप मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इसका ओवरऑल यूआई, मतलब यूजर इंटरफेस, जो काफी आसान है, काफी अच्छा है देखने के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहीं से आपको साइनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंस मैंने ऑलरेडी साइनिंग किया है तो मेरे में माय अकाउंट सेक्शन दिखा रहा है। अब सपोज करो कि आपको कोई भी चीज़ इसमें ऐड करनी है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, और ये डायरेक्टली जैसे कि अगर सपोज करो आपको घी लेना है, आपने सीधा घी सर्च कर लिया, आपको यहाँ से ऑप्शन आ गया। अब देखो मेरा ये कार्ट ऑलरेडी रेडी है, तो यहाँ पर मैंने किया है क्लिक। अब इसके बाद मैं करूँगा प्रोसीड टू चेकआउट। द मोमेंट मैं ये करता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन आता है, पहला है सेल्फ पिकअप, सेकेंड है होम डिलीवरी। सेल्फ पिकअप फिलहाल मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। होम डिलीवरी में मुझे बता रहा है कि ये मुझसे चार्ज करेगा या तो 49 रुपीज या 3% ऑफ ऑर्डर वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो मैंने कर लिया है होम डिलीवरी को सिलेक्ट। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मुझे डिलीवरी चार्जेस 126 रुपीज दिखा रहा है, 125.94। मैं यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे 4198 के ऑर्डर पे डिलीवरी चार्जेस 125.94 बता रहा है। मेरा अमाउंट पेएबल 4323.94 है। ये मेरी सेविंग्स बता रहा है 958 की। अब यहाँ पे आती है मेन प्रॉब्लम दोस्तों, वो ये है कि जैसे ही मैं ये स्लॉट को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मुझे फिलहाल क्या बता रहा है कि सैटरडे एंड संडे के स्लॉट्स अनअवेलेबल है। अब यहाँ पे मेरा एक वैल्यूएबल फीडबैक या एक सजेशन कह लो, ये मैं देना चाहता हूँ डीमार्ट को कि यहाँ पे अगर आपके पास आने वाले 2-3 दिनों के स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम विद अस। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप मुझे उसके आने वाले दिनों के स्लॉट्स जो अवेलेबल है, प्लीज आप मुझे उसका भी ऑप्शन दीजिए, क्योंकि मैंने खुद ने जब से ये ऐप में पिछले 6-7 दिनों से मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे इसमें हमेशा अनअवेलेबल ये ही दिखाता है स्लॉट्स में। तो एज अ कस्टमर ये मुझे काफी इरिटेट करता है अगर मुझे हमेशा अनअवेलेबल दिखाएगा, क्योंकि एनी विच वेज ये लॉकडाउन के टाइम्स में मुझे ये सारी चीजें चाहिए, तो या तो मैं ये आपसे लूंगा या कोई और कंपटीशन से मुझे लेना ही पड़ेगा। तो यहां पे दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो डीमार्ट को रिजॉल्व करनी चाहिए, जो एज ऑफ नाउ इज अ बिग इश्यू, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब डीमार्ट से कोई चीजें मंगाना चाहते हो तो आप वो मंगा नहीं पा रहे हो, एंड देयर इज नो बिजनेस हैपनिंग बिटवीन यू एंड डीमार्ट। सो दोस्तों, आपने देखा कि कैसा है ये डीमार्ट का ऐप। अभी तक के लिए इसका यूआई एंड ऑल बहुत ही अच्छा है, इजी टू यूज है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि फिलहाल जो भी स्लॉट्स है वो अनअवेलेबल ही दिखाता है, गॉड नोज फॉर व्हाट रीजन। मुझे और एक प्रॉब्लम डीमार्ट के साथ ये है कि यार, आप लोग कोई भी ट्विटर पे या कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो,
गाइस उसके तो पैसे नहीं लगते यार। आई मीन अगर कोई ट्विटर पे कोई हैंडल हो जैसे बिग बाजार का है, जैसे आपके ही कंपटीशन के अच्छे खासे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पे लोग अपनी कंप्लेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं, अगर कुछ भी ऐसी चीज आ जाती है तो एटलीस्ट दे कैन यू नो गेट सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी। अब डीमार्ट में एक बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है कि एज ऑफ नाउ मुझे तो पर्सनली कोई उनका कोई सोशल मीडिया हैंडल नजर नहीं आया। इन सब चीजों को लेके आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि अगर आपको कोई इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पता हो तो वो आप यहाँ पे आप हमारे इस वीडियो में रख सकते हो ताकि अपने आने वाले जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उनको भी पता लगे कि डीमार्ट के एग्जैक्टली सोशल मीडिया हैंडल्स है क्या। और एक प्रॉब्लम ये है डीमार्ट के साथ कि इनके जो भी जो स्टोर्स है ना, इन सबके ना नंबर इजीली अवेलेबल नहीं है। आई मीन देयर इज नॉट अ वे टू फाइंड आउट कि इनसे कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए। मैंने इनकी वेबसाइट पे से भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने निकाल के ट्राई किया बट कुछ नहीं हो पाया। तो डीमार्ट को आने वाले टाइम में अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसा इनको प्लान लेके आना होगा कि जिससे ये प्रॉपरली अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को मेंटेन कर पाए और उसे मेंटेन करने के साथ वो ये भी ध्यान दे पाए कि ये लॉकडाउन के बाद जहां पे आज हर कोई ये चाहेगा कि वो ज्यादा भीड़ में ना जाए या फिर इतनी ज्यादा शॉपिंग करने के लिए अगर होम डिलीवरी का ऑप्शन हो तो वो एक कस्टमर ज्यादा पसंद करेगा। आप क्या कहते हो दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए।